जोर से लगा यार। हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अल्ट बालाजी पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है हेलो जी। इस रूट की सारी लाइनें मस्त है। इसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 18 मिनट से लेकर 25 मिनट्स के बीच में ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने आप को चाटा क्यों मारा, तो वजह यह है कि भाई मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया इस पर्टिकुलर शो को देखते हुए। हालांकि मैंने इसके सिर्फ 6 ही एपिसोड देखा, 10 एपिसोड देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अगर आप लोग में हिम्मत है तो बिंदास होकर देख सकते हैं, मैं कौन होता रोकने वाला, क्योंकि तरीके के शोज हमारे इंडिया में देखे जा रहे हैं। इसी वजह से अल्ट बालाजी एक से बढ़कर एक आँखों का कैंसर बना रहा है। आँखों का ही नहीं, पूरी बॉडी के हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सबके लिए कैंसर बना रहा है। तो शो की कहानी शुरू होती है एंजेलिना से, जो कि एक कॉल सेंटर में काम करती है, और ये तो सिर्फ दिखाने के लिए करती है, एक्चुअली उसका काम कुछ और होता है। वो फ़ोन सेक्स करती है, यानी कि वो उन मर्दों को कॉल करती है जो लोग फ़ोन सेक्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और इसके बदले एंजेलिना अच्छा खासा पैसा कमाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एंजेलिना का पुराना आशिक चमन आलम ने, उसका नाम चमन चूतिया होना चाहिए था, वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद एंजेलिना की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। खैर, आप बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि एक कहावत है आप लोगों ने सुनी होगी कि एक गंदी मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जब आप लोग इस शो को देखोगे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको कुछ यही नज़र आएगा। उसके अलावा मैंने कुछ लेकर आया हूँ आज खासकर अल्ट बालाजी के इस पर्टिकुलर शो के लिए। गाजर, आई होप इसका साइज परफेक्ट है जितना आपको चाहिए। और ये रहा केला, इससे बड़ा केला ला सकता था लेकिन मैं सोचा कि इनके लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो आम इंसान होते हैं वो लोग इन सारी चीज़ों को छील के प्रॉपरली काट के खाते हैं, लेकिन जो हमारे अल्ट बालाजी वाले वो लोग इनको खाने में बिलीव नहीं करते, वो लोग इनका कुछ और इस्तेमाल करने में बिलीव करते हैं। और वो क्या करते हैं वो आपको इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो शो का मेन कॉन्सेप्ट है फ़ोन सेक्स का, तो उसे देखकर मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी कि जो इसके क्रिएटर्स हैं, कि जो जिन्होंने इस शो को बनाया है, शायद वो इससे पहले फ़ोन सेक्स का ही रैकेट चलाते थे। लेकिन जब वो सोचे कि यार अब इस धंधे में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है तो क्यों ना इस पर एक वेब सीरीज बनाया जाए, फिर यार इस पर पैसा कौन लगाएगा। तो जाहिर सी बात है इंडिया में दो ही OTT प्लेटफॉर्म है, एक तो उल्लू और दूसरा अल्ट बालाजी। उल्लू वाले इतने पैसा तो देगा नहीं, लेकिन अल्ट बालाजी वाले इस तरह के कॉन्सेप्ट पे दिल खोल के पैसा लगाते हैं, और वही लोग इंटरेस्टेड भी हो गए इस तरीके की सीरीज बनाने में। तो बस वो लोग स्क्रिप्ट लेकर आ गए और यहाँ पर जो इसके क्रिएटिव हेड अल्ट बालाजी के, उन्होंने साइन कर दिया, बना डालो। शो में ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे जिसे देखने के बाद आप दीवार पे या तो अपने सर पटकोगे या तो फिर किसी वजनदार चीज़ को लेकर आपके सर पे मार लोगे। एक सीन में आपको बताता हूँ, एक लड़का एंजेलिना को बोलता है कि तुम बॉम्बे से हो क्या, तो एंजेलिना बोलती क्यों, तो लड़का बोलता कि तुम बॉम्ब लग रही हो। तो एंजेलिना उस लड़के को बोलती कि उस हिसाब से तुम लंदन के हो गए, तो लड़का पूछता क्यों, तो बोले तुम समझ रहे हो उसके आगे समझ लो। तो यानी कि इस तरीके के CP वाले डायलॉग्स आपको पूरे शो में देखने मिल जाएगी, जिसका ना सर है ना प्यार है ना ही आपको हंसी आती है। इवन जो डबल मीनिंग के जो शोज देखना पसंद करते हैं, जो इस तरीके की वल्गैरिटी देखना पसंद करते हैं, उनको भी ये शो इतना कुछ खास लगेगा नहीं। शो की सिनेमेटोग्राफी वाहियात है, शो का BGM घटिया है। बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो अल्ट बालाजी वाले और उनकी टीम को सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहिए कि भाई ये एक्टर्स आप लोग लाते कहाँ से हो, इसके लिए मतलब आप ऑडिशन किस तरह से रखते हो, यानी कि ऑडिशन रूम में एक बेड होता होगा जहाँ पर उनको लड़का लड़की को बुलाया जाता है कि भाई अब आप अपने डायलॉग्स बोलो, और उनके डायलॉग्स क्या होते होंगे, बस ये डायलॉग्स होते होंगे, और जो अच्छा आवाज़ निकालता है उसको आप लोग कास्ट कर लेते होंगे। और बस आपको इतना बोल दूँ कि इस तरीके के कैंसर से जितना हो सके दूर रहो। तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको अल्ट बालाजी के शोज देखना तो यार बिंदास देखो, क्योंकि मैं तो रिव्यू करने वाला हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ लोगों को देखना चाहिए कौन सी चीज़ लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो आज शायद अल्ट बालाजी भी नहीं होता। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।